जिला प्रशासन प्रदेश सरकार द्वारा बिलासपुर शहर के लोगों के अतिक्रमण को नियमित करने के लिए बनाई गई नीति को लागू नहीं कर रहा। ये बात बिलासपुर बचाओ एवं संघर्ष समिति के अध्यक्ष तरुण टाडू ने यहां आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत वर्ष पूर्व सरकार के समय बनाई गई नीति में संशोधन किया था तथा पूर्व नीति में लगाई गई कई शर्तों को भी हटा दिया था। प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित की गई नीति का लाभ बिलासपुर के सभी लोगों को मिलना था तथा इसके तहत 150 वर्ग मीटर तक के अतिक्रमण को नियमित किया जाना था। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला प्रशासन ने समय रहते जिला प्रशासन से आवेदन नहीं लिए। जिला प्रशासन प्रदेश सरकार द्वारा बिलासपुर शहर के लोगों के अतिक्रमण को नियमित करने के लिए बनाई गई नीति को लागू नहीं कर रहा है। ये बात बिलासपुर बचाओ एवं संघर्ष समिति के अध्यक्ष तरुण टाडू ने यहां आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत वर्ष पूर्व सरकार के समय बनाई गई नीति में संशोधन किया था तथा पूर्व नीति में लगाई गई कई शर्तों को हटा दिया गया था। प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित की गई नीति का लाभ बिलासपुर के सभी लोगों को मिलना था तथा इसके तहत 150 वर्ग मीटर तक के अतिक्रमण को नियमित किया जाना था। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला प्रशासन ने समय रहते जिला प्रशासन ने आवेदन नहीं लिए। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने अगस्त महीने में लोगों से आवेदन लिए, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ने शहर के किसी भी मकान या दुकान की पैमाइश नहीं की कि किसको इस योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बिना पैमाइश किए ही जिला प्रशासन की ओर से नगर परिषद द्वारा 7 लोगों को अतिक्रमण हटाने को नोटिस दिए थे। उन्होंने कहा कि जब तक शहर की पैमाइश नहीं हो जाती है और इसका निर्णय नहीं हो जाता कि कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, तब तक जिला प्रशासन किस आधार पर लोगों को नोटिस दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के आदेशों को दरकिनार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पहले लोगों के घरों की पैमाइश करे और उसके बाद जिन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा उनके विरुद्ध कार्रवाई करे। चेतावनी दी कि यदि जिला प्रशासन ने किसी भी शहरवासी का मकान या दुकान गिराने की कोशिश की तो समिति चुप नहीं रहेगी तथा जिला प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन करने पर मजबूर होगी। कहा कि बिलासपुर शहर ने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसने अपनी संस्कृति अपने को उजाड़ कर देश में उन्नति दी, जिससे एक बहुत बड़े बांध का निर्माण हुआ जिसे भाखड़ा बांध कहते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री 7 बार उस बांध का निरीक्षण करने आए, तो इससे समझ में आता है कि ये बांध देश के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। लेकिन लोग पूरे देश को तो इससे बड़ा फ़ायदा मिला, लेकिन बिलासपुर की आने वाली पीढ़ियाँ और जो अभी पीढ़ियाँ चल रही हैं वो आज भी खून के आंसू रो रही हैं, क्योंकि उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला। लेकिन पूर्व की सरकारों द्वारा बिलासपुर के लोगों को प्रताड़ित किया गया। इस सरकार में बिलासपुर बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में अनेक सामाजिक संस्थाओं ने इकट्ठे होकर माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिसमें विधायक हमारे यहाँ के हैं, उन्होंने नेतृत्व किया, और इसमें मुख्यतः हमारे त्रिलोक जम्वाल जी जो हमारे राजनीतिक सलाहकार हैं मुख्यमंत्री जी के, क्योंकि बिलासपुर से बिलोंग करते हैं और वकील भी रहे हैं हमारे शुरू में, तो उन्होंने उनका बहुत सहयोग रहा जिससे जो हमें इस से निजात मिली। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सरकार की पॉलिसी को क्रियान्वित नहीं कर रहा है और पूर्व की सरकारों द्वारा पिछले पॉलिसियों में ही चले हुए लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। जब भी त्योहारों का कोई मौका आता है तो प्रशासन अपना फावड़ा अपनी JCB लेके चल पड़ता है, जबकि जब नई पॉलिसी सरकार ने बना दी है तो पुरानी पॉलिसियां तो वैसे ही निरस्त होगी। तो प्रशासन को अपना कार्य करना चाहिए जिससे पूरे शहर की पैमाइश करे और जो इस पॉलिसी में आते हैं उनको इस पॉलिसी का बेनिफिट दिया जाए, ना कि लोगों को पूर्व की सरकारों द्वारा बनाए गए हथकंडों को अपना